ब्रेन बस्ट में एक बार फिर आपका स्वागत किया जाता है। ये प्रोग्राम हर फ्राइडे को ब्रेन बस्ट विद डॉक्टर शारदा जो है, पिछले 10 साल से आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स आते हैं, वी रियली अप्रिशिएट। कंटिन्यू विद द सेम स्पिरिट, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है, ये टीवी आपका है। टैग टीवी जो है ये किसी कोई एक इंसान इसको ऑन नहीं करता, बल्कि आप सब इसको ऑन करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर बार डिफरेंट गेस्टों को लेके आएं, लेकिन पिछले 20 साल से हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट में बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं, दे हैव बीन अपरूटेड, मिलियंस हैव बीन किल्ड, एंड स्टिल द सिचुएशन इज़ वेरी बैड। स्पेशली अगर हम देखें सीरिया की सिचुएशन की तरफ, इराक की सिचुएशन, और जो इस वक्त कन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ है, दैट इज़ आल्सो वेरी सीरियस। एट द सेम टाइम अगर हम देखें, लीबिया एट वन टाइम वाज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वहाँ की सिचुएशन भी बहुत ख़राब है। और हम बहुत लकी हैं आज कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इन कंट्रीज़ में बकायदा एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया बीइंग द एम्बेसडर इन दोज कंट्रीज ही हैज़ वर्कड देयर। सो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ, बाद में उन्हीं से जानेंगे कि एग्जैक्टली आपने क्या किया। 36 साल अपनी लाइफ के उन्होंने फॉरेन सर्विस ऑफ इंडिया को दिए हैं। उनका नाम है मिस्टर अनिल, मैं लास्ट नेम नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं गलत नेम नहीं बोलना चाहता। मैं चाहता हूँ अनिल जी खुद ही अपने नाम के बारे में बताएं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन द ब्रेन बर्स्ट ऑफ डॉक्टर शारदा। थैंक यू डॉक्टर शारदा साहब, इट इज़ अ प्लेजर फॉर मी। मेरा सरनेम जो है वो है त्रिगुनायत। ये साउथ से बिलोंग करता है? नहीं, वो उत्तराखंड से। अच्छा, उत्तराखंड से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप तो मतलब उस नगरी से आते हैं जहाँ पर धाम है और जहाँ पर हिंदू का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, लाइफ का हिस्सा जो है, वो वहाँ पर जाने के लिए कोशिश करते रहते हैं कि हम वहाँ पर जाएं। आपका बहुत धन्यवाद। काफ़ी रिलीजियस जगह हैं वहाँ पर। अनिल जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। डॉक्टर शारदा साहब, मैं जो है 1983 से सरकारी नौकरी फॉरेन सर्विस में रहा हूँ, और सबसे पहले मैंने शुरुआत की अफ्रीका में अपनी पोस्टिंग, वेस्ट अफ्रीका में, आइवरी कोस्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर मैं ढाका बांग्लादेश गया, बांग्लादेश के बाद मैं मंगोलिया में गया, और जहाँ पे जिस वक्त सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो बड़ा मोमेंटस टाइम था वो वहाँ पर, और उससे पहले वो लोग सोवियत के कंट्रोल में थे, सोवियत रशिया के। अब उसके बाद मैं वहाँ से न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क में मैं ट्रेड कमिश्नर के तौर पे मैंने काम किया, और उस वक्त आपके देश जहाँ कनाडा में बहुत बार मैंने विज़िट किया अपने 3-3.5 साल के दौरान, और उसके बाद मैं दिल्ली में आया। दिल्ली में मैं यहाँ पर जो है कौंसलर वीज़ा पासपोर्ट सर्विस वाला जो डिवीज़न है एक्सटर्नल अफेयर्स का देखता था, और उस वक्त हमने PIO कार्ड स्टार्ट किया था पहली बार, तो उससे काफ़ी जो हमारे प्रवासी भारतीय लोग हैं, दोस्त हैं, उनकी एक आकांक्षा थी। तो उस वक्त PIO कार्ड था जो आजकल OCI कार्ड में कन्वर्ट हो गया है। जी जी। उसके बाद मैं मॉस्को में गया, मैं रशिया में सर्व किया, मैंने रशिया के बाद स्वीडन में रहा, स्वीडन के बाद फिर नाइजीरिया में, और नाइजीरिया के बाद फिर दिल्ली आया मैं, और दिल्ली के बाद दूसरी बार फिर मॉस्को में मैं डेप्टी चीफ ऑफ मिशन एम्बेसडर रैंक में गया। वहाँ से फिर मैं लीबिया, जिस वक्त गद्दाफी को हटाया गया, मर गए, उनको मारा गया, तो उसके बाद में मेरी पोस्टिंग वहाँ लीबिया में थी। बड़ा मुश्किल वक्त था। और मैं माल्टा में हाई कमिश्नर रहा, और उसके बाद लास्ट पोस्टिंग मेरी जो थी 2016 में मैं रिटायर हुआ जॉर्डन से एज एम्बेसडर। तो ये सर्विस है वैसे, ये मतलब हिस्ट्री जो सर्विस जिसको कहते हैं वो तो ये है। अनिल जी, बहुत 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 डिफिकल्ट टाइम के ऊपर आप लीबिया में थे, दैट्स नंबर वन, और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री स्वीडन में भी आप रहे जी, वो भी बहुत बड़ी बात है, और आइवरी कोस्ट चाहे गरीब है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जी प्लेस है अफ्रीका में
बिल्कुल, इट वाज लाइक अ शो विंडो ऑफ द फ्रेंच एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पर भी आप रहे। अच्छा अनिल जी, आज बात करते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जो मिडल ईस्ट है ये इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि कुछ नहीं पता वहाँ पर क्या हो जाए या क्या ना हो जाए। हमने देखा है कि टर्की ऑटोमन रजीम के बाद जब अर्ली 19th सेंचुरी में आज़ाद हुआ राजों से और वहाँ पर न्यू डेमोक्रेटिक प्रोसेस आया, तो एक ऐसा मुस्लिम कंट्री था जिसमें यह समझा जाता था कि इससे बढ़िया डेमोक्रेसी कहीं पर नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट एर्डोग्राम आए आए तो वो जीत गए डेमोक्रेसी के थ्रू। आए वो पहले एज प्राइम मिनिस्टर, बाद में वो जी डिक्टेटर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए लाइफ टाइम के लिए। उन्होंने अपने सब कुछ काम कर लिए। मैं तो उनको डिक्टेटर ही कहता हूँ, भाए लोग ये कहें कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हैं, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी का गला घोंट दिया वहाँ पर। और एट द सेम टाइम लीबिया वाज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और लीबिया के साथ हिंदुस्तान के बड़े अच्छे रिलेशंस थे क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन की वजह से जी वहाँ पर वहाँ से हिंदुस्तान ऑयल जो था वो लेता था। सऊदी अरेबिया तो चलो था ही, ईरान भी था, लेकिन जब आप वहाँ पर गए और वो टाइम था जबकि बहुत बड़ा क्योटिक सिचुएशन थी मिडल ईस्ट में, और उसी वक्त इजिप्ट में भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया जो कि बहुत स्मॉल पीरियड के लिए 1.5-2 साल ही वहाँ पर रहा, वहाँ पर फिर दोबारा डिक्टेटरशिप आ गई। आप ये इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि ये जो सारे का सारा वहाँ पर माहौल पैदा हुआ, मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो डिसप्लेस्ड हो गए, दुनिया में एक अजीब किस्म का माहौल जो है वो बन गया, तो आप कैसे समझते हैं कि ये जो आने वाली सिचुएशन है इसमें कभी कोई फ़र्क पड़ेगा? आपका लीबिया तो जो है वो तो अब डिवाइडेड है। लीबिया तो मेरा ख्याल है कि आने वाले टाइम के ऊपर शायद एक कंट्री ना रहे, 2-3 कंट्रियों में वो बाइफर्केशन उसकी हो जाए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आशा तो हमारी यही है कि वो एक मुल्क बना रहे जैसा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड बताऊं कि किस तरह से वहाँ पर ये सिचुएशन पूरे मिडल ईस्ट में पिछले 10-12 साल में जो हुई है। तो जैसा कि कहते हैं कि 2010 में ट्यूनीशिया में एक जो वेंडर था उसको पुलिस वाले बहुत तंग कर रहे थे, तो उसने खुद को जला लिया। इमोलेट करने के बाद में उससे वहाँ पर एक रिवोल्यूशन शुरू हुआ। उससे ये पता लगा कि लोगों के अंदर कितनी दे वर रियली फ्रस्ट्रेटेड, फेड अप विद द काइंड ऑफ रिजीम्स दे हैड, 30-40 ईयर्स ओल्ड रिजीम्स जो लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही थी वहाँ पे। तो वो जो ट्यूनिशिया में एक तरह का रिवोल्यूशन आया, वो सुई जनरिस रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं, वो था। उसे थोड़े ही दिन के अंदर में जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे बेन अली, वो भाग गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो फ्रेंच, ये क्योंकि पहले फ्रेंच कॉलोनी होती थी, उसके बाद अमेरिकन पर बड़ा कंट्रोल था, वो सारे लोग इस चीज़ को ऐसा देखते थे कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो जैसे वहाँ पर हुआ तो लोग आ गए, लेकिन अब ये कि रिवॉल्यूशन होना आसान होता है, लेकिन उसका स्टेबलाइज होना, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स का आना, एक दूसरी नई तरह की गवर्नेंस, वो है बड़ा मुश्किल काम। तो अब उन्होंने दूसरा हुआ उसके बाद इजिप्ट में, अभी आपने बताया, तो वहाँ पर भी जो है पहले मुबारक की जो रिजीम थी बहुत सालों से थी, वो भी जिसको कहते हैं कि डिक्टेटोरियल रिजीम होने की वजह से, तो वहाँ पर भी लोगों ने देखा कि ट्यूनिशिया में ऐसा हो सकता है तो हम भी यहाँ ऐसा करेंगे। लेकिन वहाँ पर चूंकि आर्मी बहुत स्ट्रांग है और मुबारक भी पुराने आर्मी के थे, तो लेकिन अमेरिकन ने सोचा कि भाई अब रिवोल्यूशन हो रहा है तो इसको चलने दो, तो उनके सपोर्ट की वजह से सबके वो मुबारक को भी छोड़ना पड़ा वहाँ पर। और इजिप्ट में भी हमने देखा कि जिस तरह से एक तरह का रिवोल्यूशन आया, वहाँ पर इलेक्शन हुआ, मुस्लिम ब्रदरहुड वाले आए जिसको कोई पसंद नहीं करता था, इस्लामिस्ट का, उन्होंने भी कुछ गलतियाँ करी। लेकिन उसी वक्त साइमल्टेनियसली अमेरिकन ने देखा कि गद्दाफी जो था एक बहुत ही स्ट्रांग वहाँ का लीडर था और वो किसी को नहीं मानता था। हालांकि उसके रिश्ते उस वक्त थोड़े से ठीक होने शुरू हो गए थे यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट इन्होंने ऐसा बनाया कि किस तरह से हम इसको रिजीम चेंज किया जाए। तो देखिए, इधर उधर से कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को अफगानिस्तान से लाया गया, कुछ अपने इन लोगों ने, अमेरिकन्स ने, फ्रेंच ने और इटली और ये सारे मुल्कों ने मिलकर के जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको साथ में लेकर के वहाँ आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई किया। एक तरह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन तो जरूर था क्योंकि गद्दाफी भी 42 साल से वहाँ पे था,
तो उसने भी वहाँ पे काफ़ी गंद डाला हुआ था और लोगों को बहुत परेशानियाँ थी, लेकिन उस सब के बावजूद वहाँ पे एक सोशलिस्ट काइंड का सिस्टम भी चलता था, तो लोगों को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी उनकी वो सब मिल रही थी। तो इतना याद तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर इन्होंने जानबूझ के इस तरह किया। और एक सिचुएशन ऐसी कि जैसा इराक में आपने देखा कि हुआ था, उसके बाद में लीबिया में उन्होंने जा करके अटैक करना शुरू कर दिया, नेटो रेजोल्यूशन हुआ। हमारा भारत के रिश्ते लीबिया के साथ बहुत अच्छे हुआ करते थे हमेशा से, पहले से। लेकिन चूंकि जब ये यूएन में रेजोल्यूशन हुआ उस साल भी, जैसे अब इस वक्त हम यूएन में हैं, तो उस वक्त भी भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में था, तो हमने उसको सपोर्ट नहीं किया और एब्सटेन किया उस रेजोल्यूशन की वजह से। तो हुआ ये कि उसको जो लोग रेवोल्यूशनरीज थे या अपोजिशन वाले थे, वो सारे लोग भारत के काफ़ी खिलाफ हो गए ग्रास रूट लेवल पे। तो देखिए ओवरनाइट वहाँ पर हमारे खिलाफत बहुत ज़्यादा हो गई, और ऐसे समय में मुझे जाना पड़ा वहाँ। तो मेरा फर्स्ट जो टास्क थी वो थी कि किस तरह से जो लोगों पे ग्रास रूट लेवल पे जो नेगेटिव इंडिया के बारे में अप्रोच है उसको किस तरह से ठीक किया जाए। तो वो एक मेन चीज़ थी, फॉर्चुनेटली वो धीरे धीरे हो गया। लेकिन उसके बाद में वहाँ पर इतने मिलिशिया ग्रुप्स हुए, वहाँ इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, टर्की का नाम आपने लिया, तो एक तरफ जैसे जो वेस्टर्न लीबिया है जहाँ त्रिपोली कैपिटल है, और दूसरे ईस्ट में वहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट है, जनरल हफ्तार है, और इधर तो उस तरह मिलिशिया ग्रुप्स के ऊपर में आपस में काफ़ी लड़ाई है वहाँ पर। तो और फॉरेन कंट्रीज ने वहाँ पर बहुत ही खतरनाक रोल खेला है अब तक। जैसे आप देखें तो अगर ईस्टर्न लीबिया के बारे में बात करें तो उसको सपोर्ट करता है फ्रांस, उसको सपोर्ट करता है यूके, उसको सपोर्ट करता है इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, और ये सारे मुल्क उनको उस साइड में सपोर्ट करते हैं। और इधर की तरफ में टर्की, कतार और आपका इटली, ये तीन कंट्री, अमेरिका कभी इधर कभी उधर, इस तरह से चलता रहा है अब तक। लेकिन अभी बीच में ये किसी तरह से एक कोशिश की गई बर्लिन कॉन्फ्रेंस के जरिए कि इनको पास में लाया जाए, इलेक्शन कराए जाएं। तो 24 दिसंबर को यानी कल की तारीख में इलेक्शन वहाँ पर होने थे, तभी एक महीने के लिए पोस्टपोन हो गए हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लॉ भी गलत पास कराया। और वहाँ पर सिचुएशन ये है जैसा आपने कहा कि शायद डिवाइड हो जाए, तो अभी तक डिवाइड था पिछले 10 साल से, एटलीस्ट 2014 से ईस्ट और वेस्ट के बीच बिल्कुल कोई तालमेल नहीं था, बल्कि जनरल हफ्तार तो त्रिपोली पे अटैक करके आ गए थे। मतलब आप सोचिए एक साल पहले कि किस तरह से कंट्रोल कर लें बाय फोर्स, तो लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि टर्की ने इधर से आकर के सपोर्ट किया। तो आप ये देखिए जितने भी ये मल्टीपल कंट्रीज हैं, इन्होंने एक अच्छे मुल्क को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जैसे इराक को किया था उसी तरह से आज लीबिया का वही हाल है। और वो लीबिया ही नहीं है बल्कि और भी सारे कंट्रीज में इसी तरह की समस्याएँ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो मिडिल ईस्ट की पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया और 1989 के बाद जब रिवॉल्यूशन हुआ, इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में, तब से लेकर के सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच की लड़ाई, ईरान और इसराइल के बीच की जो लड़ाई है, उस सब के बीच में जो है रिलीजियस भी है, शिया सुन्नी का है, ज्यूज का और मुस्लिम्स का है, और ये सारी चीज़ें मिला जुला करके वो इतनी खतरनाक कॉकटेल है वहाँ पर। और उसके अलावा आप जानते ही हैं कि बिकॉज ऑफ ऑयल की वजह से वहाँ जियोपॉलिटिक्स इतनी ज़बरदस्त है, और अमेरिका जो है अभी तक तो कंट्रोल में था, जिसको कहते हैं आर्बिटर ऑफ सिक्योरिटी, अब अमेरिका भी जो है बाहर निकल रहा है वहाँ से, तो अब चीन और रूस आ रहे हैं और फ्रांस कोशिश कर रहा है आने की वहाँ पर। तो आप ये देखें कि ये पूरा मिडल ईस्ट जो है इस वक्त में एक तरह से बड़ी इनस्टेबिलिटी के कगार पर है। मेरा मानना ये है कि समहाउ इट इज द मोस्ट डेंजरस पीरियड फॉर द मिडल ईस्ट। आपने दो तीन बार बात की और टर्की का नाम दिया, ये तो दुनिया जानती है कि जो CIA है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जिस कंट्री में उनको कोई रूलर अच्छा नहीं लगता, चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बन के आया हो, चाहे वो डिक्टेटर हो, चाहे वो किंग हो, वो उसको कोशिश करते हैं कि इसको रिमूव किया जाए किसी न किसी तरीके से। एंड देन दे प्ले, दुनिया में जिसको हम कहते हैं हथकंडे, हर दुनिया में हर किस्म के हथकंडे जो हैं वो फिर प्ले करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर रहे, टर्की जो है इसने सीरिया में भी अपना हाथ डाला हुआ है, इसने लीबिया में भी हाथ डाला हुआ है, और इधर ये हिंदुस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंटें के ऊपर स्टेटमेंटें दे रहा है, और राइट हैंड बना हुआ है, बड़ा भाई बना हुआ है पाकिस्तान का। तो इसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली इन रिलेशन विद इंडिया जी टर्की का, और टर्की का जो अग्रेसिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया उसका?
देखिए, प्रॉब्लम विद टर्की इज नॉट टर्कीज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज विद द करंट डिस्पेंसेशन विच इज अर्दोगान। तो जो प्रेसिडेंट अर्दोगान है वो अपने आप को उस वक्त में चाहते हैं कि जो पुरानी जो उनकी ऑटोमैनिक एम्बिशंस थी कि भाई हम एक बड़ा कंट्री बन सकते हैं, हम रूल कर सकते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान और बड़े लीडर्स हैं, उस तरह हमें भी इस्लामिक लीडरशिप में पूरा भाग लेना है और उसको कंट्रोल करना है। और वो चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है साथ साथ, तो वो ये सोचते हैं। और दूसरा नेटो का मेंबर है, आप ये सोच लीजिए आप। और तो वो उसको जो है इस बात का बड़ा फायदा है, डेवलप्ड कंट्री है इसमें कोई शक नहीं है, उनकी आर्मी बड़ी अच्छी है, उनके ड्रोन की टेक्नोलॉजी में आज काफ़ी आगे बढ़ गया है। लेकिन वो चूंकि इस्लामिक लीडरशिप को करना चाहता है, तो वो जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत की खिलाफत हमेशा से करता रहा है, आज से नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है, और उस चीज़ को अब ये और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो कुछ ही दो तीन कंट्रीज़ हैं जो भारत के खिलाफ, मुस्लिम कंट्रीज बाहर, इस तरह की मैं तो कहूँगा अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज बकवास करते हैं, चाहे कश्मीर को लेकर को या किसी चीज़ के बारे में हो। लेकिन यह है कि इससे उन्हीं का नुकसान है, आप ये सोचें, क्योंकि टर्की की क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, उनकी इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि हर जगह उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को मिलिटराइज करने की कोशिश करी है, चाहे वो मेडिटेरेनियन में हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे सीरिया में। आपने बोला तो सीरिया तो चलो मान सकते हैं कि उनका कुर्ड कर्डिश प्रॉब्लम है और नेबर्स हैं तो वहाँ पर उनके ऊपर डायरेक्ट उनका इंटरेस्ट है, लेकिन आप चाहे नगोर्नो करबाख अजरबैजान में जाएँ तो वहाँ पर भी टर्की प्रेजेंट है, और अगर आप इधर लीबिया में जाएं तो वहाँ पे भी टर्की है पूरी तरह से, और पाकिस्तान के साथ तो आप देखिए कि उनके रिश्ते जो है बहुत ही क्लोज हैं। तो मेरा मानना यह है कि भारत के लिए, और मैं ऐसे देखता हूँ कि इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि जो मिडिल ईस्ट को लेकर के अगर आप देखें, तो नई जो एक तरह की ग्रुपिंग शुरुआत हो रही है, जैसा आपने देखा एक अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में आपने सुना जी होगा जी कि यूएई, बहरीन और आपका मोरक्को और सूडान ने इसराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका, वो अमेरिका के साथ मिलकर के है, तो दूसरी तरफ मेरा मानना यह है कि मैं इसको बोलता हूँ क्रिप्टाक, जैसे चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की और कहीं कतार भी, तो ये सारे मुल्क मिलकर के एक नया ग्रुपिंग डेवलप हो रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, और वो भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। तो मेरा मानना यह है कि हमें इन सब देशों के साथ थोड़े बहुत रिश्ते तो जरूर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखेंगे लार्जर ग्लोबल जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये एक आने वाले समय में एक बड़ा खतरा हो सकता है। अनिल जी, टर्की बड़ी कोशिश कर रहा है कि मैं यूरोपियन कंट्री का मेंबर बनूं, ईयू का मेंबर बनूं, लेकिन सम ऑफ द आई डोंट थिंक जो इस वक्त एडोग्राम की हरकतें हैं वो कभी भी अलाउ करेंगे कि ईयू यूरोपियन मेंबर बने। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, आपने कहा कि हिंदुस्तान को जो है वो कहीं ना कहीं जाके बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। देखिए, चैलेंज तो इंडिया के पास इस वक्त भी है, क्योंकि हिंदुस्तान के जो नेबर्स हैं सिवाय एक मालदीव को छोड़कर और लिटिल बिट श्रीलंका, उनके ना तो पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन हैं, ना इंडिया से अच्छे रिलेशन हैं, ना ही म्यांमार से अच्छे रिलेशन हैं। बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होते थे, लेकिन वहाँ पर भी अब चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका में भी हमने देखा कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है बढ़ता हुआ, यहाँ तक कि अल्टीमेटली श्रीलंका ने अपनी पोर्ट जो है वो 99 ईयर्स के लिए उनको लीज कर दी है, एक्सेप्ट मालदीव। मालदीव में भी आपको पता है कि जब वहाँ पर प्रेसिडेंट को हटाया गया, वहाँ पर फिर थोड़ा सा झगड़ा हुआ, फिर कोई प्रो इंडिया प्रेसिडेंट, कोई एंटी इंडिया प्रेसिडेंट। तो हिंदुस्तान जब तक अपने सारे नेबर्स के साथ, और चाइना तो ऑफ कोर्स है ही है एंटी इंडिया, जब तक नेबर्स के साथ रिलेशंस नहीं अच्छे होंगे, कैसे ये इस सारे झंझट में से बाहर निकलेगा? देखिए, बात यह है कि नेबर जैसे सारे ये हमारे हैं, भले ही हमारा ये है कि एक ही स्टॉक के हैं सारे नेबर्स जितने हैं, सेम सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, लेकिन वो चाइना के भी नेबर हैं, और चाइना जो है वो भारत को नेबरहुड में ही कंस्ट्रेंट करने की कोशिश कर रहा है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी कहें। तो वो जगह जगह वहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन सारे मुल्कों में भारत के सामने एक चेकबुक डिप्लोमेसी को ले आता है, और उनके पास में भाई
ये तो बात सच है कि वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी या फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी हो रही है वर्ल्ड की, और वो 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी है भारत से, तो वो उस चीज़ को अपना पैसा दिखा करके जल्दी पहुंच जाते हैं, और वहां पर वो कोशिश ये करते हैं किस तरह से इंडिया का इंटरेस्ट, और उसी संदर्भ में मैंने आपको जो दूसरा वाला वो क्रिप्टाक के बारे में बताया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रिश्ते आपके नेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन भारत की जो पॉलिसी नेबर्स के साथ रही है, चाहे वो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो या एक नॉन रेसिप्रोकल पॉलिसी रही कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट्स देने की कोशिश करी है, भारत का मार्केट के बारे में हो, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हो, ग्रांट्स के बारे में हो। आप देखिए कि बांग्लादेश की बात आपने कही, तो भारत का 1/3 टोटल जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग या ग्रांट या असिस्टेंस जाता है, वो बांग्लादेश को 1/3 टोटल का जाता है हमारे नेबर्स के पास। तो भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये कंपटीशन जो है चाइना और इंडिया के बीच में, वो उसको इसी तरह चलता रहेगा, वो कम नहीं हो सकता है जब तक कि उन मुल्कों में ये पता ना लगे या उनको ये समझ ना आए कि जो ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट है ये हमारे लिए परमानेंट हमारी सॉवरेंटी को खतरा देने वाला है, चाहे चाइना की BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, क्योंकि इस वक्त चाइना के पास कोई चैलेंज भी नहीं है। आप देखें अमेरिका ने बिल्ड बैक बेटर बोला, अभी अब उसको पोस्टपोन कर दिया 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। तो चाइना का कोई कॉम्पिटिशन, जहाँ तक ये फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जहाँ तक इंडस्ट्रियल है, जहाँ तक उनकी आउटरीच है, उसमें इस वक्त मुझे कोई ना यूरोप दिखता है ना अमेरिका दिखता है जो उनको टक्कर दे सके। तो दूसरी चीज़ यही है कि भारत जो है अभी तक एक ही मुल्क है जो इधर चीन को किसी ना किसी तरह से टक्कर देता है, और इसीलिए वो चीन भारत को चाहता है कि इसको साउथ एशिया में ही बना के रखो अंदर, और बाहर ना जा पाए, ये एक उनकी एक पॉलिसी है। अब मानना ये कि अब हम क्या करें आगे के जो रिश्ते ठीक हों, लेकिन देखिए अब हमारे नेबर्स भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो भी दोनों को एक दूसरे के खिलाफ यूज़ करते हैं, कभी चाइना से फायदा ले लो, चाइना से भी ले लिया, इंडिया से भी ले लिया, दोनों के साथ में बना के रखते हैं, और ये उनके लिए ठीक है, उनके नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारी जो हमारे नेबर्स हैं उनसे एक ही एक्सपेक्टेशन रही हमेशा, वो ये कि हम बराबर में नहीं है, जो हम देते हैं देते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ ये है कि जो भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसमें कम से कम वो इस बात का ख्याल रखें कि उनके जो धरती से भारत के खिलाफ कुछ इस तरह की एक्टिविटीज ना हो जो हमारी सॉवरेंटी को नुकसान पहुंचाएं। अब पाकिस्तान की बात यह है कि वो तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पाकिस्तान का इसमें कोई लाभ नहीं है। देखिए उनकी इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब हो गई है, वो उनकी एंटी इंडिया पॉलिसी, उनकी बेसिक फॉरेन पॉलिसी है, यूजिंग टेररिज्म एज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया, दुनिया ये जानती है इस बात को, लेकिन चाहे वो अफगानिस्तान के संदर्भ में हो या और इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, दे स्टिल यूज पाकिस्तान। सो आई थिंक दैट पाकिस्तान टिल इट कंट्रोल्स टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, आई डोंट सी एनी वे इट विल मूव फॉरवर्ड। सो व्हाट द ऑप्शन फॉर इंडिया इज टू मूव अहेड विद द अदर कंट्रीज। तो इसीलिए भारत ने जो बिम्सटेक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मिला दिया भारत ने, ताकि एटलीस्ट एक ट्रैक पे रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। अब उसमें म्यांमार में आपने देखा कि वो वहाँ पे कू हो गई है बड़ी, तो वो भी एक बड़ी समस्या है वो, क्योंकि वो भी चीन के अंदर में है, लेकिन आज ही विदेश सचिव हमारे वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं उसमें फॉरेन सेक्रेटरी इज देयर, ही इज़ ट्राइंग टू टेल दैम कि भाई रिलीज द अदर पीपल, ब्रिंग द डेमोक्रेसी बैक, डू समथिंग लाइक दैट। सो वट एवर लिटिल इन्फ्लुएंस इंडिया हैज़ ओवर म्यांमार, इट इज़ यूजिंग टू स्टेबलाइज द कंट्री। नहीं तो ये अनिल कर सकते हैं। जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है। हम जाएंगे मिडिल ईस्ट दोबारा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब इंडिया हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे कंट्रीज़ जो हैं हिंदुस्तान के अगेंस्ट या हिंदुस्तान को यूज़ करते हैं अपने पर्पज़ के लिए, हिंदुस्तान को एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है डिफेंस के ऊपर, जो पैसा हिंदुस्तान की तरक्की में लग सकता है, जो इन्वेस्टमेंट एक इंडस्ट्री में जा सकती है, जो इन्वेस्टमेंट लोगों के फायदे के लिए जा सकती है, वो हम इन्वेस्टमेंट जो है आज डिफेंस के ऊपर दिनों दिन हर साल बढ़ा रहे हैं। इससे आपको क्या लगता है, ये जो हमारा जो गोल है जिसमें जो हमारे दर्शक हैं ना जी, वो बड़े प्रो मोदी हैं, मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, फाइन,
आपकी इस वक्त अराउंड 3 ट्रिलियन इकॉनमी है, आप इसको आने वाले 5-7 साल में 5 ट्रिलियन बना सकते हैं। पर आप ये भी तो देखिए, जो 14 ट्रिलियन चाइना की इकॉनमी है वो 20 से 25 ट्रिलियन बन जाएगी। ये तो नहीं ना कि वो इकॉनमी स्टेल रहेगी और ये इकॉनमी जो है अकेली बढ़ेगी। इकॉनमी आज भी मैं देख रहा था कि अभी रिसेंटली, कल ही एक खबर आई कि जो रिसेंटली बॉन्ग कंपनीज कहलाती हैं, वो जो कंपनीज हैं वो अमेरिका और चाइना की 80% कंपनियाँ वहाँ पर हैं, हैं हिंदुस्तान में ठीक है वो थर्ड है लेकिन वो 43 हैं सिर्फ, और वहाँ पर हंड्रेड्स हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारा कंसेप्ट है, और हम जैसे ब्लाइंडली ये कहते नहीं जी, नहीं बस जो कह दिया गवर्नमेंट ने बस ऐसा हो जाएगा, मैं कहता हूँ आप 5 ट्रिलियन की भी कर लो, जो हमारी पॉपुलेशन है और जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है हिंदुस्तान में, वो 5 ट्रिलियन भी कोई मतलब नहीं रखता हिंदुस्तान की गरीबी को दूर करने के लिए। तो आप ये, आप ये नहीं समझते कि ये सारे के तरह जो शिकंजा है वो हिंदुस्तान की इकॉनमी ना बढ़े जी उसको रोकने के लिए? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये बात तो उनका तो पूरा, ये मैंने जैसे कहा कि खास तौर से चीन का और या उसके जो दोस्त हैं पाकिस्तान कहिए या दूसरे और जो भी मिलकर ग्रुप बनेगा, उनका बेसिक इंटरेस्ट यही है कि भारत एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद इतना ज़्यादा तरक्की कर पाया, जैसे कैसे करेगा, ये एक बड़ी बात है। और इसमें सही है आपका कहना कि अगर $5 ट्रिलियन, लेकिन अगर आप सच में देखें तो आज भी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत top 3 इकोनॉमीज में है। तो अब ये कि सारी इकोनॉमीज तो एक ही स्पेस पे नहीं बढ़ सकती हैं। अब अगर 1980 में देखें तो भारत और चीन की इकोनॉमी एग्जैक्टली बराबर थी, कोई फर्क नहीं था, लेकिन वो 10 साल का जो उन्होंने लीड लिया है इकोनॉमी उसमें, उसने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। दूसरा उनका एक सिस्टम है टोटलिटेरियन सिस्टम, उसके चलते वो बहुत सी चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा मुझे ये भी लगता है कई बार कि देखिए उनका जो एक और सिस्टम है जिसमें आपको ये पता नहीं लग सकता कि असलियत में क्या हो रहा है वहाँ पे, रियलिटी क्या है, ये मीडिया की कोई वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, एक्सेस आपकी इन्फॉर्मेशन की नहीं है, चाहे वो किसी के बारे में भी हो, तो आप डेटा को ट्रस्ट पूरी तरह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक सोचने की बात है। लेकिन वो चलिए दूसरी बात रही। जहाँ तक भारत की बात है, अगर भारत को 8 से 9% ग्रो करना है तभी ये एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन पाएगी, क्योंकि आप देखिए इसके अलावा आपकी पॉपुलेशन जो है 2040 तक चीन को सरपास कर जाएगी, तो आपको उतने लोगों के लिए एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट कहिए या उनको अपॉर्चुनिटीज़ कहिए, वो सब बचाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो एज ए डेमोक्रेसी किस तरह से हम ये सारी चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट बनाएं भारत में, ताकि जो कंपनी, देखिए चीन तो लोग छोड़ नहीं रहे हैं लेकिन उन्होंने चीन से डाइवर्सीफाई ज़रूर कर रहे हैं, तो लेकिन जब डाइवर्सिफिकेशन उन कंपनीज का जो मल्टीनेशनल्स का आपने नाम लिया अगर हो रहा है, 1+1 वाली अप्रोच जो उनकी अगर है, तो भारत किस तरह से उनको अपने यहाँ कर पाए। आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादातर कंपनी जो है आसियान कंट्रीज में चली जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो है कंट्रोल सिस्टम है वहाँ पे उनको, देखिए ये भले ही चाहे डेमोक्रेटिक कंट्रीज से आती हैं लेकिन ये देखती हैं कि वो ऐसे मुल्क में जहाँ पर के थोड़ा लॉ यूज़ कर पाए, अथॉरिटीज़ जो हैं उनका पूरी तरह से फ़ायदा पहुँचा पाए, वो सब उस तरह देखते हैं, वो इस तरह नहीं देखते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी प्रमोट करने आ रहे हैं। लेकिन भारत में चूंकि एक अलग ही सिस्टम प्रिवेल करता है तो कई बार उनको डिफ़िकल्टीज भी होती हैं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सरकार ने पिछले काफ़ी सारे पुराने लॉज कहिए, रूल्स कहिए, डूइंग बिजनेस इन इंडिया के बीच जो प्रॉब्लम्स थी उनको कैसे कम किया जाए, ये सब कोशिश ज़रूर करी है। और अब पेंडेमिक के टाइम पर और दिक्कत आ गई है, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो आज जो भी स्टैटिस्टिक्स IMF की हो, वर्ल्ड बैंक की हो, तो ये तो लग रहा है कि इस वक्त में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया ही है, चाइना को बीट किया है इस वक्त में, तो कब तक चलेगा ये देखना पड़ेगा। आप इकॉनमी के बहुत माहिर हैं, आप फिक्की के भी एडवाइज़र हैं और आप इकोनॉमिक अफेयर्स चार्ज डी अफेयर्स भी रहे हैं कई हिंदुस्तान की एम्बेसियों में बाहर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब ये सिल्क रोड ऊपर बन रही है और जिस तरीके से चाइना कोशिश कर रहा है जी, पाकिस्तान को तो छोड़ दो, पाकिस्तान हैज़ नो वैल्यू, पाकिस्तान को तो यूज़ कर रहे हैं, अमेरिकन भी यूज़ कर रहे हैं और चाइनीज भी यूज़ कर रहे हैं, इवन रशिया इज़ आल्सो थिंकिंग ऑफ यूजिंग पाकिस्तान, वो भी वहाँ पर अपना हाथ जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं वो भी प्रो चाइनीज़ होती नज़र आ रही हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया,
हालांकि वो ईरान के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन है, ईरान से ज़्यादा ऑयल खरीदता है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा इम्पोर्टर ऑयल का जो है वो चाइना है। अच्छा, चाइना जो है चाहे कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगी हों ईरान में, जी आपको पता है कि दे डोंट केयर। अच्छा, रिसेंटली उन्होंने ईरान के साथ साइन भी किया $200 बिलियन का कि आप हमें ऑयल देते रहेंगे अगले 20 साल। तो जब ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं तो फिर हमें तो ऑयल जो है वो सऊदी अरेबिया से लेना पड़ता है जी। हम तो ईरान से ऑयल जो है हमें अमेरिका ने बंद करवा दिया, हालांकि वो चीप था, कम से कम 30-40% चीप ऑयल था देन सऊदी अरेबिया। लेकिन क्योंकि सऊदी अरेबिया भी डाइवर्ट करना चाहता है अपनी इकॉनमी फ्रॉम द ऑयल टू अदर सोर्सेज, इसलिए दे हैव इन्वेस्टेड इन RIL इन इंडिया एंड दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन मोर थिंग्स, सो दैट कल को जब हम ऑयल से अलग हों या ऑयल की प्रोडक्शन, क्योंकि सारी दुनिया ऑयल के अगेंस्ट जा रही है इस वक्त, और चाइना ने भी कह दिया कि बाई 1930-35 हमारे सड़क के ऊपर कोई डीजल और पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेगी। अच्छा, फ्रांस ने भी फॉलो कर लिया, जो हमारे जैसे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन नेशन है वो भी इसको फॉलो करने जा रहे हैं। तो व्हाट आई मीन कि आप इसको कैसे देखते हैं कि वो तो इस तरफ बढ़ रहा है, और हिंदुस्तान जो है जी वो क्यों नहीं? ठीक है, उनके रिलेशन अब इस वक्त मोदी साहब के अच्छे हैं विद दी अरब वर्ल्ड, लेकिन चाइना इज मोर अग्रेसिवली जी उनके साथ अपने रिलेशन बढ़ा रहा है, तो आप कैसे इसको सोचते हैं? देखिए, चाइना ने पिछले 10-15 साल में, मैं समझता हूँ कि ये जो सारे गल्फ कंट्रीज़ कहिए या मिडल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं, ईरान से इसराइल तक, सारे मुल्कों के साथ में उन्होंने अपना रिलेशंस बढ़ाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। UAE के साथ उनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं इस वक्त, सबसे ज़्यादा है वहाँ पर। ईरान के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है, $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात है, एग्रीमेंट है कि पूरी तरह से ऑयल वहाँ से कई साल, 25 साल तक वो उनसे लेते रहेंगे आगे। सऊदी अरेबिया उनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना के रिलेशंस आज की डेट में इकोनॉमिक लेवल पे इन सारे मुल्कों के साथ बहुत क्लोज हैं, और उसके लिए अमेरिका भी काफ़ी कंसर्नड है, क्योंकि ख़ास तौर से जो इनके जो बिग प्रोजेक्ट्स जो इसराइल में हो रहे हैं या UAE में हो रहे हैं, उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से जो साइनो US कंपटीशन है उसमें काफ़ी एक बड़ा रुकावट आ रही है उनको, अमेरिका को, तो वो लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात भारत की, तो मैं ये कहता हूँ कि पहले आज से करीब 2000 मेरा मानना है कि 2008 से थोड़ा पहले तक हम लोग इन सब मुल्कों को एक तरह से बिल्कुल ट्रांजैक्शनल वे में देख रहे थे। देखिए, उनके पास ऑयल है, हमने ऑयल खरीद लिया, हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो पैसे भेज रहे हैं, इस तरह की रिलेशनशिप रही, उसमें कोई स्ट्रैटेजिक कंटेंट बिल्कुल नहीं था। तो हम अगेन वहाँ पे मिडल ईस्ट में थोड़ा लेट हुए, जब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, मैं खुद गया था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ इन सब कई मुल्कों में, जैसे चाहे ओमान हो, चाहे कतार हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, उसके साथ रियाद के साथ हमने रियाद डिक्लेरेशन उस वक्त साइन करा था। तो मेरा मानना यह है कि हम लोग ने बड़ा कुछ जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे इन सब मुल्कों को काफ़ी दिन तक। अब चूंकि 2008 से और आज तक की डेट में अगर आप देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो लोग आज जो पहले पाकिस्तान के हमेशा सरमाएदार बने रहते थे, आज वो सऊदी अरेबिया हो या UAE हो, वो पाकिस्तान को बता रहे हैं कि भाई वो टेररिज्म इस तरह से नहीं चल सकता है। चाहे भले ही एट वन टाइम उन लोगों ने उनकी हेल्प करी होगी इसी चीज़ में, लेकिन आज वो उस चीज़ को नहीं हो रहा है। चाहे वो हर जगह हमें ओपनली सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया इज़ लॉन्ग टर्म प्लेयर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और दूसरा, अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा प्लांट चाहे नॉन जो रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी का बना है 1000 मेगावाट का UAE, वो भारतीय कंपनी ने बनाया है, स्टर्लिंग सोलर ने। तो इंडियन कंपनीज़ वहाँ पर बड़ी प्रेजेंट हैं, चाहे वो कतार हो, चाहे सऊदी अरेबिया, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ पर पैसा है। तो मेरा मानना ये है कि भारत के लिए जो मिडिल ईस्ट है और ख़ास तौर से गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और उसका कारण है मेरे ख़्याल से एनर्जी सिक्योरिटी। फिर अगले 30-40 साल तक तो आप पूरी तरह से इससे डिपेंडेंट रहेंगे ही, चाहे कुछ भी कर लें। अगर आपको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो 30-40 साल आपको इस तरह से चलना पड़ेगा।
और इसीलिए जो भारत ने 2060 की बात कही है न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रलिटी और ये सारी, वो उसी सिलसिले में कही है। दूसरी चीज़ ये है कि फर्टिलाइज़र सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए ये सारे मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 99% फर्टिलाइज़र आपका इन सब कंट्रीज से आता है। गैस और जो चाहिए आपको वो कतार से सबसे ज़्यादा 90% लगभग आती है। दूसरा डायस्पोरा आपका, 9 मिलियन से लोग जाते हैं वहाँ पर, $50 बिलियन जो आपकी 1/10 ऑफ आपका फॉरेन एक्सचेंज है वो सब इन मुल्कों से आता है। वहाँ की मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेडिंग लेन्स, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनली मेरा मानना यह है कि भारत के लिए वेस्ट एशिया जो है या मिडल ईस्ट कहिए, ये इवन आपके जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। अगर वहाँ पर लड़ाई होती है, वहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा उस चीज़ का, और भारत के लिए नहीं दुनिया के लिए ही होगा। इसीलिए अभी तक सब लोगों की कोशिश ये है कि वहाँ पर जो वॉर वगैरह इस तरह की सिचुएशन ना हो, तो एवरीबडी इज़ ट्राइंग फॉर दैट। अब जहाँ तक चीन और भारत का कंटेस्ट है, मैंने जैसे कहा कि चीन के साथ कंटेस्टेशन हर एक फील्ड में भारत का होगा। आगे अमेरिका है, लेकिन ये सब डिक्लाइनिंग पावर्स हैं, राइजिंग पावर सिर्फ चाइना और इंडिया है इस वक्त अगर आप देखें तो। इवेंचुअल कंपटीशन इन्हीं दो मुल्कों के बीच में आएगा, आज नहीं होगा, 20 साल बाद, 30 साल के बाद, और चीनी इस बात को बड़ी भली भांति समझते हैं, और ख़ास तौर से जब से भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी स्ट्रैटेजिक कहिए, ग्लोबल कंप्रेहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहिए, रशिया के साथ हमारे रिश्ते आज भी काफ़ी स्ट्रांग हैं, ये भी बात है। तो वो ये जानते हैं कि किस तरह से एक भारत कोशिश करता है अपनी के बिना कन्फ्रंटेशन के अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर पाए, और ये हमें 8-10 साल तक अगर हम बिना किसी वॉर के निकल जाते हैं, तो मेरा मानना ये है कि भारत बहुत आगे एक स्ट्रांग इकोनॉमी के रूप में इकोनॉमिकली भी चाइना को काफ़ी हद तक बराबरी दे सकता है। अनिल जी, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी के माहिर हैं, आप कैसे ये कह सकते हैं कि एक 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी और एक 14 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो आगे जाके मैच हो सकती है, जबकि हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बहुत कमियां होती हैं। आपको पता ही है कि 1-3 किलोमीटर का एरिया दिल्ली से आगरा के हाईवे के ऊपर 3 किलोमीटर का एरिया था जो फार्मर्स कोर्ट में चले गए, और 3 साल वो हाईवे नहीं बन सका। अगर वही वो चाइना में होता तो इट वुड हैव टेकन नॉट इवन मंथ, वीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब वो कंपेयर ये करते हैं, एक सिस्टम देखिए, ये सिस्टम है, इस सिस्टम में कोर्ट्स रोल प्ले करती हैं, वहाँ कोर्ट्स नहीं रोल प्ले करती, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो रोल प्ले करती है। तो मैं मतलब ये कैसे कैसे संभव है? देखिए ऐसा मैं बताता हूँ आपको कि अब आप इसको 80 के पीछे चले जाएं, हाँ जी, 40 साल पीछे चले जाइए, 40 साल पहले चाइना और भारत की GDP बराबर थी ऑलमोस्ट, ये तो सच है, ये तो फैक्ट्स है, बिल्कुल। ये तो डेंग साहब आए, उन्होंने 81 के बाद खोला इसको। लेकिन चाइना की जो इकोनॉमी किस तरह से बढ़ी, चाइना की जो इकोनॉमी मल्टीप्लाई हुई वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सारों ने मिलकर के वहाँ पे उनको सोचा कि इनको हम एक इंटरनेशनल स्ट्रीम में, लिबरल ट्रेडिंग ऑर्डर में ले आएंगे, तो ये एक तरह से एक अच्छा वो हो जाएगा, और सारी कंपनीज को उन्होंने वहाँ पर प्रोत्साहित किया कि वो वहाँ जाएँ और वहाँ पर इन्वेस्ट करें और वहाँ पर उसका फ़ायदा उठाएँ, और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी पूरी तरह कोशिश किया और मॉडर्नाइज़ किया कंट्री को। आज डेट ये है कि चाइना अमेरिका को पूरी तरह से उसमें टक्कर दे रहा है, देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ रेप्लिकेट कहीं और नहीं हो सकती है। और जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात आप कहें, इसमें सही सच बात है कि थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस, लेकिन अब ये तो हमारी चॉइस है ना कि हम डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं। कोई कंट्री आप सोचें टोटलिटेरियन तो बनना नहीं चाहते ना, ये तो हमारी वो है। तो अगर उसके कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं, जैसे आपने बताया कि 3 किलोमीटर की रोड या नहीं बन पाई या वो इस तरह की बातें हैं, तो मेरे ख्याल से लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, ये सब बड़े रिफॉर्म्स हैं और ये बहुत आवश्यक हैं भारत के लिए अगर हमें आगे बढ़ना है। तो मेरा कहना नहीं है कि बिल्कुल बढ़ जाएगा, लेकिन ये कि पूरे कारण पॉसिबिलिटीज़ इस तरह की हैं, और अगर हम ठीक पॉलिसीज़ को अपनाएंगे, देखिए आज की डेट में 70 देश ऐसे हैं दुनिया में जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कम्पीट कर रहे हैं,
तो यू हैव टू बी बेटर देन 70। जब मैं सुनता हूँ भारत में कहा जाता है कि हमारा डूइंग बिजनेस इन इंडिया इंडेक्स जो है 53 नंबर आ गया, 20 नंबर ऊपर बढ़ गया, 10 नंबर बढ़ गया, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इसका ये सोचिए कि आपसे ऊपर 52 लोग और हैं। वी कैन नॉट फॉरगेट, वी हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट दीज थिंग्स। तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज जो हमारी एक एंटरप्रेन्योरशिप है भारत में, आज देखें आप कितनी मल्टीनेशनल कंपनी, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वहाँ पर आपके भारतीय लोग ही हैं ना जो ओरिजिन के, जो आज वहाँ पर सीईओज बने हुए हैं। ये बात पहले तो नहीं थी, कितने चाइनीज हैं इस तरह से सोचिए आप। तो आपके पास में एक वो बहुत बड़ी ताकत है, उसको भी आपने इस्तेमाल करना है, लिंकेजेस करने हैं अपने उनके साथ में मिलकर के, सब तरह के लोगों के साथ। तो आज एक अपॉर्चुनिटी है भारत के पास में एक बड़ी इकोनॉमी बनने की, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी बनने की, लेकिन उसके लिए कंडीशंस तो कई सारी हैं। देखिए, वॉर नहीं होना चाहिए। जब वॉर अगर होगा आपका किसी के साथ, चाहे चीन के साथ हो, चाहे पाकिस्तान के, मान लीजिए हाइपोथेटिकली हो जाता है, तो फिर आपकी इकोनॉमी विल गो फॉर अ टॉस, फिर तो आप 20 साल पीछे चले जाएंगे। इसीलिए कोशिश सबकी ये है कि भाई लड़ाई ना हो। तो ये आप आइडिया ये है, अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तब डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, तब और आगे होगा। लेकिन डेमोक्रेसी में स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन लास्टिंग प्रोसेस है, एक रूल ऑफ लॉ है, उसके साथ में सिस्टम चलता है। तो मैं तो क्यों करूँगा। अनिल जी, अगर 100 कंपनियाँ चाइना से बाहर आई हैं, 100 कंपनियाँ है जी पिछले 4-5 साल में, वो उनमें से 90% कंपनियाँ जो हैं, दे हैव प्रेफर्ड ए कंट्रीज लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया जी, कंबोडिया, इस किस्म की कंट्रियों में वो गए हैं रादर दैन कमिंग टू इंडिया। क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है, वो जो वन विंडो का सिस्टम पिछले 40 साल से शोर डल रहा है जी, वो प्रैक्टिकल अभी भी नहीं हुआ। फिर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो मेरे दोस्त मित्र चाइना में गए हैं जी, शायद आप भी गए हों, लेकिन वो कहते हैं कि जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अमेरिका से भी कहीं बेटर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ के जो हाईवेज हैं वो अमेरिका से डबल है इस वक्त। उनका रेलवे सिस्टम इज़ वन ऑफ द टॉप। उनके जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम एयर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, विच प्लेज ए मेजर रोल है, वो भी, और सी पोर्ट्स जिस ढंग से उन्होंने डेवलप की हैं, हमारे तो यहाँ एक सी पोर्ट डेवलप हुई है गुजरात में, तो हम शोर कितना डाल देते हैं कि कितनी बड़ी सी पोर्ट है। और उन्होंने वहाँ पर समुंदर के बीच में 100 एट ए टाइम शिप जो है उनको खड़ा करने का प्रोग्राम बना दिया। तो मैं ये नहीं कहता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाइना। आई थिंक इट्स रिडिकुलस, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अभी उतना ऊँचा नहीं गया जितना 14 ट्रिलियन इकॉनमी में जाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक खतरा तो है ना कि हम किस तरीके से उनके साथ मुकाबला करें। खतरा है, चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। मैं चीन में कई बार गया, पिछला लास्ट में अभी 2019 में गया था, उन्होंने बुलाया था वहाँ पर एक लेक्चर देने के लिए, तो उसमें कोई शक नहीं है वहाँ पे। और मैं 1990 जब मंगोलिया में पोस्टेड था, तो मैं हर 2 महीने में चीन जाता था और देखता था कितना गरीबी थी, कितना बुरा हाल था। और पिछले 90 से लेकर के और अब तक 2020 तक जो मैं गया 19 में, तो ट्रिमेंडस चेंज। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर चीज़ में, उनका देखिए टारगेट ये किस तरह से अमेरिका को हटाना है नंबर वन से, और उसके लिए वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी में हो, इकोनॉमी में हो, हर तरह से। लेकिन अब ये है कि पहले हमेशा आप देखिए कहते हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन रहेगी तो चीना भी कई साल तक आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन चूंकि वहाँ पर भी खुद इंटरनल कंट्रडिक्शंस उस कंट्री में काफ़ी सारे हैं, तो आगे देखिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन अगर जब तक जिस तरह चलता रहेगा तो चीन तो आगे है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए हमें अपनी पॉलिसीज, जैसा आपने भी मेंशन किया, जो भी बॉटलनेक्स हैं जो पॉलिसीज में, वो सबको बदलना पड़ेगा, तभी लोग आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। आपने बहुत काम किया अफ्रीका में, बहुत बार आप अफ्रीका में गए हैं। इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं आने वाले टाइम में 54 कंट्रीज जो हैं, वहाँ के ऊपर सारी डिपेंडेंसी है, क्योंकि उस कंट्रीज ने डेवलप होना है, वहाँ पर पोटेंशियल बहुत है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, वहाँ पर चाइना और इंडिया दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट 3 गुना ज़्यादा है इंडिया से। अमेरिका जो है वो वहाँ इन्वेस्ट करने से घबराता है, अमेरिका सिर्फ केन्या, युगेंडा
हैं जी, और साउथ अफ्रीका में, सिर्फ ऐसे ही तीन चार कंट्रीज़ में इनके इन्वेस्टर जाते हैं। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि ये जो आने वाला कंटिनेंट है अफ्रीका है जी, उसमें हिंदुस्तान और चाइना का जो आपस में मुकाबला है जी, वो कैसे चलेगा? देखिए, मैं इस बारे में हमेशा कहता रहता हूँ, लिखता भी हूँ, मैं गवर्नमेंट को भी बताता हूँ कि देखिए, अफ्रीका इज़ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यस, दुनिया के लिए, बिल्कुल, और वहाँ पर हमारे लिए फेवर में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ग्रास रूट लेवल पे भारत के लिए गुडविल बहुत है वहाँ। और गुडविल के अलावा आप ये देखें कि जो अगर 1964 से जब हमने अपना इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम शुरू किया था, जी जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंस भारत ने सारे इन मुल्कों को, 161 कंट्रीज़ को हम प्रोवाइड करते हैं अभी भी, लेकिन सारे अफ्रीकन कंट्रीज, सारे नेबर, सारे ईस्ट यूरोपियन और कितने भी कंट्रीज़ को, तो उससे वहाँ पर क्या है कि गुडविल बड़ी क्रिएट है भारत के लिए। दूसरी, आप नॉन अलाइनमेंट होने की वजह से कहिए या उनके फ्रीडम स्ट्रगल में, उसमें समय भारत ने साथ दिया, तो गुडविल आपकी बहुत ज़्यादा है। इंडियन कम्युनिटी जो है वहाँ पर बहुत सक्सेसफुल है, जो 3 मिलियन लोग हैं, लेकिन हमने अफ्रीका पे अपना फोकस मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों को छोड़ करके आप सोच सकते हैं कि बड़ा एडहॉक बेसिस में किया हमने। कोई हमारा एक कंसिस्टेंट पॉलिसी, जिसको कहते हैं अफ्रीका पॉलिसी, वो नहीं थी। और उसका कारण है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं नाइजीरिया में पोस्टेड था, तो वो एक ऐसा मुल्क है जो, जिससे हम 11-12% अपना एनर्जी लेते हैं, ऑयल एंड गैस लेते हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वहाँ पे, कंट्री की रिचेस्ट कंट्री है अफ्रीका का। उसके अंदर में हमारा जो विजिट, हाई लेवल प्राइम मिनिस्टर के विजिट पंडित नेहरू के बाद 62 के बाद में जाकर 2008 में हुई, साथ में, तो आप सोच सकते हैं कि 45 साल तक जब आप वहाँ पे इन सब मुल्कों में नहीं जाएंगे, और बड़े प्राउड लोग हैं। दूसरी तरफ चीन वाले जो हैं, हर दिन, दूसरे दिन, महीने में, 3 महीने में कोई ना कोई आता रहता था वहाँ पे, तो एक बड़ी चीज़ है। उसके बावजूद मैंने ये फील किया कि वहाँ की जो लीडरशिप है वो भारत से ज़्यादा क्लोज मानती है अपने आप को। हम जरूर लेट इन द कमिंग हैं, लेकिन अब जाकर कहीं, मेरा कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अच्छी बात ये करी कि जाकर के ये जो हाई लेवल विजिट डेफिसिट है उसको ख़त्म किया है, उसको एक तरह से स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करी है। थोड़ा लेट है हम लोग जरूर, इसमें कोई शक नहीं है अफ्रीका में, लेकिन कोशिश जरूर जारी है कि सारे मुल्कों में। अब देखिए, 18 नए मिशन आपने खोले हैं वहाँ पर, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर आप जो हैं इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के थ्रू उनको दे रहे हैं वहाँ पर। इंडिया जो हमने अपना पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट बनाया था, अभी जिस वक्त पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा असिस्टेंस भारत ने वहाँ पर दिया है उनको। तो देखिए, चीन के खिलाफत तो वहाँ पर धीरे धीरे ग्रास रूट पर होने लगी है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है काम करने का, वो वहाँ के लोगों को इतना पसंद नहीं आता है। हालांकि लीडरशिप जो है इन सब कंट्रीज़ की, भले ही चाइना के फेवर में हो, लेकिन वो बड़े डेड डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, उससे काफ़ी डरे हुए हैं। लेकिन यह है कि उसको फिल कौन करेगा? आपने कहा अमेरिका के पास में नहीं है इतना पॉसिबिलिटी, अमेरिकन का सोचना ही अलग है, बिल्कुल नई पॉलिसी बनाएं क्या करें, तो वो लोग जा नहीं रहे हैं वहाँ पर। तो अभी आजकल भारत ने क्या किया, जापान के साथ में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इस तरह बनाया है, इस तरह से हमने यूके के साथ में, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, दूसरे कंट्रीज़ के साथ, इवन रशिया के साथ, कि कहाँ पर हम जॉइंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं इन अफ्रीका में, जो म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट हों। तो इंडिया की पॉलिसी कोई नहीं थी, बट 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे कंपाला युगांडा में, तो युगांडा में जो पार्लियामेंट को एड्रेस किया, वहाँ पर पहली बार 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए, जिसका बेसिक मुद्दा ये था कि अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स, भाई आपको जो चाहिए वो हम देंगे। तो अब जाके कम से कम आपके पास में कहने को एक पॉलिसी तो है, और उसी के तहत अब काम हो रहा है। अब ये है चक्कर सारा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने जो अर्ली बर्ड एडवांटेज जो हमारे पास था उसको लूज़ किया, चाइना ने उसको गेन किया, और उन्होंने वहाँ पर अपनी काफ़ी छत्रछाया पूरी सबको रख लिया है उसमें जाके, चाहे वो उनके ऑयल ब्लॉक्स हों, चाहे उनके कुछ जो भी आप असेट्स की बात करेंगे, मिनरल्स की बात करें, पोर्ट्स की बात करें, तो स्ट्रेटेजिकली चाइना ने अपने आप को काफ़ी अच्छी तरह से अफ्रीका में पोजीशन किया हुआ है। लेकिन अनिल जी, आने वाले टाइम के टाइम बहुत ख़तरनाक है, आपके साथ दिल करता है कि लगातार कई घंटे बात करते रहें। आने वाले टाइम के ऊपर फिर दोबारा मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो रशिया का रोल है जी, रशिया और अमेरिका के रिलेशंस इस वक्त वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन में है। जो रशिया का इस वक्त रोल है,
क्या जब कल को जरूरत पड़ेगी वो चाइना के साथ खड़ा होगा या इंडिया के साथ? देखिए, रशिया के भारत और चीन दोनों से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसमें कोई शक नहीं है। रशिया और चीन के, भारत और रशिया के रिलेशंस आप इकोनॉमिक उससे देखें तो $30 बिलियन, अभी हमारा $10 बिलियन ट्रेड है और चीन का उनके साथ $130 बिलियन का ट्रेड है। तो आप उनका एंगेजमेंट देखें तो काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन आप अगर रशिया जो है एक प्राउड सुपर पावर है, चाहे भले उनके पास में वो शक्ति इस वक्त नहीं है जो सोवियत टाइम पे थी, लेकिन आज भी अमेरिका चूंकि उनको नंबर वन अपना दुश्मन मानता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैरिटी एक तरह से मिलिट्री पैरिटी तो है। दूसरा, प्रेसिडेंट पुतिन जो है, चूंकि मैं रशिया में रहा हूँ, 7 साल काम किया मैंने वहाँ पर, तो मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के दौरान कि अगर रशिया नहीं चाहता कि भारत और चीन के बीच लड़ाई हो नंबर वन, या उसको चूज़ करना पड़े, लेकिन आज भी जब पिछले 1.5 साल में बहुत लोगों को नहीं मालूम है ये बातें कि जब चीन के साथ में हमारी लड़ाई हुई गलवान में इधर सब उधवा, तो उसने कोशिश किया कि किस तरह से टेम्पर नीचे हो, मुलाकात हो, भारत और चीन के बीच में बातचीत चलती रहे। और दूसरी चीज़, जो जो चीज़ की हमें ज़रूरत थी मिलिट्रीली, उसने पूरी तरह से आगे बढ़ करके उसको प्रोवाइड किया हमें डिफेंड करने के लिए। आज भी हम S-400 के बारे में अगर देखें, बात कर रहे हैं, इतनी अमेरिका उस पर काटसा लगाना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो चीन भी नहीं चाहता कि भारत को S-400 मिलता, और उसने एडवांस स्टेज का S-400 हमको दिया है। S-500 देने की बात भारत के लिए कर रहा है, लेकिन चीन के पास S-400 है। तो मेरा मानना यह है कि वो भारत के साथ, क्योंकि भारत उनका काफ़ी बड़ा मार्केट है, देखिए डिफेंस में ही नहीं है, स्पेस में कहिए, न्यूक्लियर में कहिए, हर तरह की स्ट्रेटजिक उसमें हमारे उनके साथ रिश्ते बहुत मजबूत हैं। और प्रेसिडेंट पुतिन जानते हैं कि जो चीन को अगर बैलेंस करना है तो भारत को उनको भारत की ज़रूरत है। ये सोचिए आप, इसको इस तरह से देखें। अनिल जी, आखिर में आप हमारे जो लाखों दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं नए साल में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये किसी तरह से हमारे ओमिक्रॉन कहिए या कोरोना कहिए या जो भी, इससे छुटकारा मिले, सबकी सेहत ठीक रहे, सब लोग खुश रहें, हेल्दी रहें नए साल में, और नए साल में सबकी तरक्की हो, ये बहुत ज़रूरी है, शांति बनी रहे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ शांति है। हम लोग हिंदू धर्म में शांति बोलते हैं, मुसलमान लोग जब अपना सलाम वालेकुम कहते हैं तो कहते हैं पीस बी अपॉन यू, इसराइली बोलते हैं तो शालोम कहते हैं, तो भी पीस है। दुनिया में हम रोज़ बात करते हैं पीस की, तो कोशिश करें कि हम पीस का बढ़ावा दें ताकि शांति आगे बढ़े सब जगह और सब जगह स्वास्थ्य लोगों का ठीक रहे। अनिल जी, शांति की आपने बात की, पर हिंदुस्तान में तो 5 स्टेट्स में लड़ाई हो रही है, उनकी बात नहीं करूँगा, सिर्फ उत्तराखंड की बात करूँगा जी। उत्तराखंड में रावत साहब जो हैं वो बागी हो गए हैं और हाई कमांड से बहुत नाराज़ हैं। तो आपको उत्तराखंड में, सिर्फ उत्तराखंड, नथिंग एल्स, उत्तराखंड में आपको क्या लगता है आने वाला इलेक्शन जो है वो बहुत कठिन होगा, या वन पार्टी जो है आसानी से जीत जाएगी, या आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पर एंटर करने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में ज़रा आप बताएं। देखिए, मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ज़्यादा कभी, मुझे पता है, लेकिन मैंने तभी कहा उत्तराखंड। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी वहाँ पर जो है, जो अभी करंट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसकी सिचुएशन काफ़ी मजबूत है। गुड अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और प्लीज़ फ्रॉम अवर साइड मैनी मैनी हैप्पी न्यू ईयर्स टू यू। जो आपने एमी कॉरन की बात की या औरों की बात की, उसके लिए भी हमारी इच्छा है कि हिंदुस्तान में ये आगे ना बढ़े, उसको कंट्रोल में रखें। आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपको भी और सब आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। प्लीज स्टे सेफ। प्रोग्राम देख रहे थे आप ब्रेन बर्स्ट विद डॉक्टर शारदा। आपने प्रोग्राम देखा, हमेशा याद रखिए कि प्लीज़ ट्राई टू हेल्प फाइनेंशियली। हमारा जो टैग टीवी है उस पर आप paypal.me/tagtvinternational पर जाके किसी भी तरीके से आप इसको हेल्प कर सकते हैं, या आप patreon.com/tagtv पर जाके भी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग हेल्प नहीं करोगे तो फिर प्रोग्राम जो हैं
इस क्वालिटी के और इतने बढ़िया गेस्ट जो हम ले के आते हैं, मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज़ ट्राई टू हेल्प एज मच एज यू कैन। मेरी तरफ से आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। क्रिसमस जो है वो कल आने वाली है, तो आपको शुभकामनाएं, और उसके बाद नए वर्ष की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2022।